हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड स्टार्ट में दिखाते एक कप का प्याला फूटता और बोलता है कि क्या मसला है, क्या मसला है, हर बार तुम लोग गलत कैसा कर सकते हैं, क्या मीनू तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम लोग क्या यहाँ पे पॉइजन बना रहे हो जिसकी वजह से तुम लोग मुझे मार सको। ये सीन जो होता है यूनाइटेड नेशंस का होता है, उनकी लॉर्ड वहीं पर बैठी हुई थी, बोलती कि आखिर ये जो रेस्टोरेंट वो कहाँ चला गया, उसको किसी को लाने के लिए भेजा गया था तो वो अभी तक आया क्यों नहीं। एक बुड्ढा वहाँ पे होता है, बोलता है माय लॉर्ड रेस्टोरेंट जो है कि फ्लेम में पड़ गया है और वहाँ से उसके टैलेंटेड जो फार्मासिस्ट है उन सबको हेल्प के लिए बुलाने गया है और आज वो यहाँ पे वापस आ सकता है और उसके आने के बाद हम लोग का जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। उसकी लॉर्ड बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है उनका जो चीफ फार्मासिस्ट है वो हम लोग की हेल्प नहीं कर पाया तो कोई और बंदा क्या ही कर लेगा। वो बंदा बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेंट का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से एक ऐसा बंदा उसको मिला है उस फ्लेम एम्पायर में जो कि वहाँ का फार्मेसी क्लास का न्यू प्रोफेसर था और वो बंदा जो एक अजीब तरह का मैजिक को यूज करता है जिसके वजह से वो मेडिसिन काफ़ी अच्छे से रिफाइन कर लेता है, एंशिएंट मेथड ऑफ रिफाइनिंग को भी यूज कर सकता है। बोलती अच्छा ऐसी बात है। सत्य बुड्ढा आगे बताता है कि एक कंपटीशन किया था उसने मिल्टन के साथ जिसमें कि और उस कंपटीशन में उसने मिल्टन को काफ़ी आराम से हरा दिया और वो जो रिफाइन करता है उसका रिफाइनिंग का प्रोसेस काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है इसलिए मुझे लगता है वो हमारी हेल्प कर सकेगा। बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें 1 महीना और देती हूँ। बोलता है थैंक यू माई लॉर्ड। बोलती है लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि मैंने तुम्हें 1 महीना दिया, अगर तुम इतनी देर में मेरी हेल्प नहीं कर पाए तो मैं पूरे पूरे यूनाइटेड नेशन को ख़त्म कर दूँगी और जब मैं जिंदा नहीं रहूँगी तो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन भी जिंदा नहीं रहेगा, मेरे साथ तुम्हारा यूनाइटेड नेशन भी कब्र में चला जाएगा। वो बोलता है कि मैं आपकी बात समझ गया। हमें साथ ही में नेक्स्ट दिखाते हैं यूज होता है मिल्टन के साथ वहाँ पे आ रहा होता है, मतलब कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में, और मिल्टन बोलता है कि पढ़ रहा होता है एक बुक में कि ये जो पोषण है ये आखिर किस तरह का, ये एक्चुअली चीफ फार्मासिस्ट जो दो कंट्री के मिल के भी नहीं बना पा रहे आखिर ये पोषण है क्या। ये बोलता है कि उस अल्टीमेट वेपन में ज़्यादा इंटरेस्ट है इस मेडिसिन से अलावा। साथ ही बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब के बारे में। मिल्टन बताता है कि हाँ मैंने भी सुना था कि ये जो अल्टीमेट वेपन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये जो इतना ज़्यादा पावरफुल है जिसकी मदद से जो ह्यूमन और जो 7th अपोस्टल के बीच 300 साल पहले फाइट हुआ था उसमें इन्होंने इस जो वेपन से उस 7th अपोस्टल सेलिया के ऊपर अटैक किया था और वो कहीं पर गायब हो गई थी, मतलब उसका अता पता भी नहीं बचा था। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने इसी जो वेपन था अल्टीमेट वेपन की मदद से वहाँ पर सेलिया को हरा के ह्यूमन सिविलाइजेशन को 300 साल पहले बचाया था। वो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। साथ ही यूज होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, सेलिया जो है कि एक अपोस्टल है और इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कितना ज़्यादा पावरफुल मशीन बना ले पर वो कभी भी एक अपोस्टल को घायल नहीं कर सकता। बोलता है चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था वो आगे बताते हैं, मिल्टन आगे बताता है कि उसके बाद जब वॉर ख़त्म हो गया था तो अल्टीमेट वेपन जो है अचानक से गायब हो गया था, लेकिन रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन उन्होंने क्लेम किया था कि अल्टीमेट वेपन जो है उनके हाथों में आ चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अल्टीमेट वेपन हो सकता है क्योंकि वो जो वॉर हुआ था वो यूनाइटेड नेशन पे पास हुआ था, मतलब जिस समय वॉर हुआ था वहाँ पे अभी यूनाइटेड नेशन है तो उन लोग के पास ये जो अल्टीमेट वेपन है हो सकता है। ये बोलते अच्छा, तो अंत में इनका ये कहना है कि ये लोग किसी अंधे जगह अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि उन लोग के पास वेपन हो सकता है, हम लोग उनसे वेपन छीन के ले आएंगे, लेकिन चलो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो उस लिटिल गर्ल सेरलिया से मिल क्योंकि वो उधर ही रहती होगी। साथ ही मैं वापस से यूनाइटेड नेशन का सीन दिखाते हैं, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उन लोग का वेलकम करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग होते, बोलते हैं थैंक यू आप लोग इतनी दूर हमारे लिए आए हो, मेरा नाम एजरोन है और मैं इस जो यूनाइटेड नेशन का डायरेक्टर हूँ, मैजिक एकेडमी का, मैजिक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। रेस्टोरेंट जो था वहाँ पे उतरता है, यू और मिल्टन को इंट्रोड्यूस कराता, बोलता है मिस्टर यू जो हमारे रॉयल एकेडमी के न्यू प्रोफेसर हैं फार्मेसिस्ट के, और दूसरे बंदे का इंट्रोडक्शन होने से पहले फिर से वही बंदा बोल देता है कि हाँ मिल्टन को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट है, और वो बंदा और कोई नहीं रॉयर का होता है। लेकिन मिल्टन जो बोलता है कि योर मेस्ट्री आपको किसी ने गलत बोला, मेरे मेंटर जो थे वो प्रोफेसर रॉयर का थे जो कि चीफ फार्मेसिस्ट थे फ्लेम एम्पायर के और उन्होंने 1 महीने पहले रिजाइन कर दिया था। रॉयर का उसके बाद सुनने के बाद शर्मनाक हो जाता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, लेकिन फिर जो एजरोन जो होता है उसे बोलता है कि आप अपने मेंटर खुद हो तो प्लीज़ अपने जो पर्सनल फीलिंग हो उसको यहाँ पे बीच में मत लाना। साथ ही बोलते हैं कि मैंने आपके लिए एक स्पेशल बैंकेट यहाँ पे प्रिपेयर किया था इस सिटी में तो प्लीज़ उसको एंजॉय करिएगा। रेस्टोरेंट जो होता है बोलता है कि मिस्टर मिल्टन प्लीज़ मेरे साथ अंदर आइए। साथ ही वो लोग उसको अंदर ले जाते हैं जहाँ पे उनका जो खाने पीने का प्रोग्राम लगा हुआ होता है, गाना वाना चल रहा था, वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो थे डांस कर रहे थे। यू ये देखे काफ़ी खुश होते, बोलते हैं यहाँ पे लवली लेडीज़ है, लेकिन मिल्टन उसको बोलता है कि लॉर्ड यू प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहिए, आपका जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगा अगर आप इस तरह बिहेव करोगे। लेकिन उन सबको जो रेस्टोरेंट देख रहा होता बोलता है कि रेस्टोरेंट क्या तुम सच बोल रहे हो कि ये लोग हमारी हेल्प कर पाएंगे। रेस्टोरेंट बोलता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग दिखने में थोड़े इतने अजीब लग रहे हैं लेकिन इन लोग के पास पावर जो एबिलिटी काफ़ी अच्छी है।
और चूंकि हमें पता है कि इसे क्या पसंद है, क्यों ना हम लोग इसको वो चीज़ दे दें, यानी लड़की दे दें, उसके बाद ये खुश हो जाएगा, बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात समझ गया। साथ ही वो अपने एक नौकर से बोलता है कि जाओ उस लड़की को यहाँ पे लेके आ जाओ, जो कि बोल रही थी कि उसको ग्रेजुएशन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, और उसको तैयार वार करके मिस्टर यू के रूम में भेज दो, और उसको कह देना कि अगर वो हमारी बात मानेगी और लॉर्ड को अच्छे से सर्व करेगी तो उसे उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा। बोलता है कि वाट लॉर्ड एजरमैन, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, वो जो लड़की वो काफ़ी सुंदर है और आपने उसको खुद के लिए बचा के रखा था। बोलते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, चुपचाप यहाँ से जो कहा है वो करो। बोलते हैं यस लॉर्ड, और साथ ही वहाँ से चला जाता है। यू जो था अभी भी डांस को और गाने को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो पीछे की तरफ मुड़ के खिड़की की तरफ देखता, बोलता है कि अचानक से गैप हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इल्यूजन था। लेकिन वहाँ पे फाइनली एजरमैन आ जाता, बोलता है कि मिस्टर यू आपके लिए मुझे लगता है आप लेट हो रहे, और आप दोनों को जाके आराम करना चाहिए क्योंकि कल हम लोग को अपना जो काम है उसको डिस्कस करना होगा। और मिस्टर यू मैंने आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्रिपेयर किया आपके रूम में, आप जाके इन्जॉय कर सकते हो। यू बोलता है क्या सरप्राइज। आते एक नौकर जो था यू को उसके रूम में ले जाता, बोलता है कि आप यहाँ पे आज रात के लिए रहोगे। यू बोलता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते। यू जो था रूम खोलता, बोलते कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, उन लोग ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मेरे लिए सरप्राइज रखा, और उन लोग ने हम लोग को अलग अलग रूम में क्यों भेजा। अभी के लिए जो ऑरा वहाँ पे फील हुआ था थोड़ी देर पहले, वो बंदा कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन साथ ही वो गेट खोल के अंदर चला जाता, बोलता कि मुझे इन सब के बारे में ध्यान नहीं देना, मुझे यहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम करना, और जब मैं उन सब यानी बाकी के पोस्टर से मिलूंगा तो उन लोग से पूछ लूँगा। साथ ही वो बेड पे सो जाता, बोलता है बेड तो काफ़ी अच्छा गद्देदार है, बस यहाँ पे ऐसा मेरे साथ आ जाती तो क्या ही सोने में मज़ा आता। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बेड पे से उठ के बैठ जाता है तो सामने देखता है तो एक लड़की होती है दरवाजे को बंद कर रही होती है। यू देखता है तो बोलता है आखिर ये लड़की कौन है। वो लड़की एक क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी लड़की होती है जो कि यू के सामने आके खड़ी हो जाती, बोलते कि प्लीज़ मेरे साथ मेरे को ऐसे मत देखो ना प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है, उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। साथ ही वो यू के सामने झुकते हुए बोलते कि मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। बोलते कि हेलो मिस्टर यू, मैं यहाँ पे आपको सर्व करने आया हूँ जबकि आप रात को सो गए। ये बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कोई भी सर्विस की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई भी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन वो लड़की मन में सोच रही थी कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगी तो उन लोग मुझे ग्रेजुएशन का जो एग्जीबिशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं देंगे। बोलती कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यू, क्योंकि वैसे भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैंने अपना होमवर्क काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया, मैं यहाँ पे काफ़ी आराम से आपकी हेल्प कर पाऊँगी। साथ ही कोई कूदती है यू के ऊपर लेट जाती है और बोलती कि मैं आपको डेफिनेटली सेटिस्फाई कर दूँगी। यू बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर देखा था वो लड़की उसके ऊपर होती है और बोलती कि मैं आपको एक ऐसी रात का अनुभव दूँगी जिसको आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे, प्लीज़ आप मुझे अच्छे रिव्यू देना। साथ ही वहाँ पर यू का पैंट जो था उसको खोलना स्टार्ट कर देती, बोलती कि सबसे पहले हम लोग को पैंट को खोलना है। ये बोलते हैं रुक जा, एक मिनट रुक जा। साथ ही वो पीछे की तरफ भाग जाता है और अपने आप को कवर करते हुए बोलता है कि रुक जा तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो बोलती लड़की जो होती बोलती है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, आप जो मर्द हो हमेशा ऐसा करते हो जैसे कि आप काफ़ी अच्छे हो और आपको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, वैसे भी मिस्टर यू मैं आपके लिए कर सकती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। साथ ही वो अपना जो ड्रेस होता है उसको उतारना स्टार्ट कर देती है। यू के नाक से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, बोलता है कि एक्चुअली यहाँ पे आई क्यों है, और ये आई तो आई किसी ने मुझे लगता है इसको फोर्स किया ऐसा करने के लिए। बोलता है कि मिस क्या तुम मेरी बात एक मिनट के लिए सुनोगी। बोलती है चलिए ठीक है आप बताइए आपको क्या कर मतलब कहना है या फिर कुछ करना है तो आप बोल सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए और आप लास्ट में वही लेके रहोगे, उसके बाद ही मुझे यहाँ से जाने दोगे। ये बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे किसी भी स्पेशल सर्विस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लड़की उसको चिल्ला के बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम मुझसे छिप नहीं सकते, उन लोगों ने मुझसे कहा कि जब तक आप यहाँ पे रहोगे मैं आपका हमेशा पीछा करती रहूँगी और आपको सर्विस प्रोवाइड करती रहूँगी, आपको सर्व करती रहूँगी जब तक आप यूनाइटेड नेशन में रहोगे। और मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रही हूँ कि जब तुम अजरान से मिलोगे तो उसको ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और तुमने मुझे 5-स्टार रिव्यू दिया, ये कह देना जिसकी मदद से मुझे वो जो ग्रेजुएशन एग्जीबिशन में है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए देगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। लेकिन वो बोलती बोलती चलो ठीक है, चूंकि तुमने कहा कि तुम्हें कोई भी सर्विस की ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दूँ, तुम्हें किस तरह से खुश करूँ, वो सोच रही होती है। बोलती कि कहाँ ले जाऊँ। लेकिन साथ ही उसको आइडिया था, बोलता है ठीक है मैं समझ गई, चलो हम लोग कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे जाने के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और ठीक है जो ये एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बताना कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।